हेलो फ्रेंड्स, मैं पप्पू कुमार आपका कंपटीशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज साइंस के फिजिक्स सेट 5 हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार सेट 5 देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सेट 1, 2, 4 जरूर देख लें। बिना टाइम गवाए चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाता है, मतलब कि टाइम पीरियड क्या हो जाता है। राइट आंसर इज बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, यह माफी चाहता हूं, यह चंद्रमा होगा, द्र होगा, दू नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। यह मैथ का ही टाइप, मैथ में ही आ जाएगा, आपको न्यूमेरिकल पार्ट में आ जाएगा, देख लीजिए इसको। देखिए फ्रेंड, मैं इसके पिछले वाला वीडियो में मैं फार्मूला बताया हूँ, उस पर एक क्वेश्चन भी कराया हूँ। फ्रेंड, फिर साइज एक रिपीट पे क्वेश्चन करता हूँ। फ्रेंड, टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई रूट यानी स्क्वायर रूट L/g। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा जो टाइम पीरियड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है फ्रेंड, लेंथ का है, मतलब कि लंबाई का है। और फ्रेंड्स, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है फ्रेंड्स, 1/√g। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताया था पहले भी कि अगर देखिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट में न्यूमरेटर राइट में न्यूमरेटर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रेंड्स, अगर लेफ्ट में न्यूमरेटर है और राइट में डिनोमिनेटर है तो वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए फ्रेंड्स, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। फ्रेंड्स, यहाँ 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जी का मान चंद्रमा पर, ये भी वैल्यू आपको याद होना चाहिए फ्रेंड, कितना होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रेंड्स, जी और जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है फ्रेंड, 9.8। फ्रेंड, यहाँ पर देख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर है फ्रेंड्स। तो कि देखिए, अगर जी का मान, देखिए जी का मान अगर इंक्रीज होगा टाइम पीरियड कम हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा पर जाने पर, अर्थ से जाने पर क्या होता है फ्रेंड, जी का मान डिक्रीज होता है, यानी कि 1.6 हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जी इंक्रीज करेगा टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, अगर जी डिक्रीज करेंगे टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, और जी अगर इंक्रीज करेंगे टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच लेते करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है, ये न्यूटन का किस नियम से संबंध है। राइट आंसर इज न्यूटन का द्वितीय नियम, माने कि न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन। क्वेश्चन नंबर 3, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। राइट आंसर इज डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत फ्यूज को शैडो किस क्रम में दौड़ाता है। राइट आंसर इज श्रेणी क्रम, मतलब कि स्विच कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, यहां पर बताना चाहूंगा जो फ्यूज वायर होता है, हम लोग लाइव वायर वायर में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है फ्रेंड्स, जो विद्युत फ्यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और रेसिस्टिविटी भी थोड़ा कम होता है, जिसे मेल्ट करने के बाद आपको जितना भी सर्किट में जो भी लगा हुआ है, आपको वायर वायर आपको वहां से या इक्विपमेंट जो लगा हुआ आपको पूरा का पूरा सेफ्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं, जो विद्युत फ्यूज को इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस के रूप में भी यूज करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, डायनेमो का आविष्कारक कौन थे। राइट आंसर इज माइकल फैराडे। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताया हूं कि अल्फा बीटा गामा रेस जितना भी क्वेश्चन मैं कराया हूं 1 to 5 सेट में, कहीं ना कहीं आपको हर सेट में 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही एकदम श्योर है। क्योंकि देखिए आज के जो जनरेशन में फ्रेंड्स, जो भी एग्जाम हो रहा है ना, जेएसएससी, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम हो रहा है ना फ्रेंड, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाल रहा है आजकल, आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मेरा वीडियो, जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा सोच समझ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरा का पूरा इस वीडियो से फायदा हो और आपके फ्रेंड को भी फायदा हो। और जितना भी मैंने जो भी वीडियो बनाया, आप अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप जितना भी जानते हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस वीडियो को सबको शेयर कर दिए, जिससे बहुत से बच्चों जो कोचिंग में जाने में एफर्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप उसको भी नॉलेज अच्छा सा गेन कर सके और गवर्नमेंट जॉब आसानी से प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, अल्फा बीटा एंड गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंत तक क्या में बदल जाता है। राइट आंसर सी से।
क्वेश्चन नंबर 7 ये भी देखिए फ्रेंड उसी से रिलेटेड है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, में ईंधन फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इज यूरेनियम 235। वैल्यू याद रखिए फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू तो याद है यूरेनियम, और यूरेनियम के सिंबल का फ्रेंड कहीं कहीं पे लिखा होगा U235 लिखा होगा फ्रेंड। और एक है प्लूटोनियम, माने कि उसका दिया माने कि जो भी समस्थानिक दिया हुआ आइसोटोप दिया हुआ 239 यूज करते हैं, माने कि पीटी लिखा होगा फ्रेंड पीटी 239। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन देखिए उससे रिलेटेड दिए हुए फ्रेंड्स। परमाणु बम ने एटॉमिक बम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस पर बेस्ड है? राइट आंसर इज नाभिकीय विखंडन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड इसको न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के पहले मैं फर्स्ट वीडियो में डाला हूं कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, अब हाइड्रोजन से जो प्राप्त ऊर्जा है फ्रेंड वो किस पे बेस्ड है फ्रेंड, मैं बताया था उस पे हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन, माने कि नाभिकीय संलयन। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या बताया फ्रेंड, परमाणु बम, ये नाभिकीय विखंडन पर होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य में दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज उत्तल दर्पण, कहने मतलब कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? राइट आंसर इज पास्कल नियम, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, पास्कल नियम। फ्रेंड्स इसमें मैं क्वेश्चन बताता हूं, इस पर देखिए आपको तीनों ऑप्शन, तीनों क्वेश्चन नहीं दिया गया, आपको कोई बोलेगा हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर बेस्ड है फ्रेंड, या कोई जगह हाइड्रोलिक प्रेस किस पर बेस्ड है ये भी पूछ सकता है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित है या बेस्ड है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर है, मतलब तीन क्वेश्चन फ्रेंड यहां से तीन क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां पर थ्री क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पर फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, भू अस्थाई उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर रखकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। सर इसका मैं परिक्रमण काल बताता हूं, कितना टाइम पीरियड लगता है एक रिवोल्यूशन करने में, उसका पावर कितना लगता है फ्रेंड्स 24 आवर। इसमें दो क्वेश्चन फ्रेंड, एक तो हाइट पूछ देगा फ्रेंड, एक तो यहां पर टाइम पूछ देगा परिक्रमण। क्वेश्चन नंबर 12, द्रव की बूंदे वृत्तकार माने कि सर्कुलर किसके कारण से होती है? राइट आंसर इज पृष्ठतनाव, कहने का मतलब सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल का है, न्यूमेरिकल देखिए फ्रेंड्स आज के माने कि साइंस का जो भी माने एग्जाम, जो भी चाहे माने एसएससी रेलवे या जेएससी जो भी एग्जाम ले रही है ना फ्रेंड, उसमें न्यूमेरिकल पार्ट मस्ट कर दिया है फ्रेंड, इसलिए आप इस चैनल के माध्यम से जितना भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड सब सीख जाइएगा, तो टोटल फुल मार्क्स पाने की कोशिश कीजिएगा, मैंने 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल डन कर लीजिएगा इस चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या फ्रेंड, 20 न्यूटन का बल 4 kg के पिंड पर कार्य करता है, तो उसपे उत्पन्न त्वरण कितना होगा? फ्रेंड इसका राइट आंसर कितना होगा फ्रेंड, 5 m/s। इसका मैं एक्सप्लेन करता हूं फ्रेंड, मैं बताया हूं कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, एफ क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इनटू ए, तो एफ का बोलते हैं फ्रेंड फोर्स, एम का बोल मास और ए को एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए हिंदी में बता दिया हूं, फोर्स को बल, मास को द्रव्यमान और एक्सेलरेशन को त्वरण, त्वरण होगा फ्रेंड, यहां पर त्वरण होगा, ठीक है। बल कितना होगा फ्रेंड, बल कितना क्वेश्चन में दिया 20 दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया फ्रेंड 4 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का ए निकालना है आपको, एक्सेलरेशन त्वरण नहीं पूछा फ्रेंड, त्वरण मैंने एक्सेलरेशन देखिए त्वरण लिखा हुआ, त्वरण ठीक है फ्रेंड। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड, सॉल्व कीजिएगा इसको, कैलकुलेशन कीजिएगा, उतना तो आप लोग जानते ही होंगे, 5 m/s। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इससे एमसीक्यू बन जाएगा फ्रेंड, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, और उसमें से एक सही लिखा रहेगा और 3 आपको रॉन्ग टाइप लिखा हुआ है। बोलेगा कि गति का प्रथम नियम का समीकरण क्या है, माने कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, इसमें क्या समीकरण है? राइट आंसर क्या होगा, v = u + at। अगर आपसे द्वितीय नियम पूछेगा फ्रेंड, तो s = क्या होगा फ्रेंड, ut + 1/2 at². तृतीय नियम क्या, तृतीय नियम v² - u² = 2s, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मिस्टेक हो गया फ्रेंड, यहाँ पर u होगा, ठीक है। तो u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक गति, v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जिसको अंतिम वेग, m = एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, टाइम टाइम t = टाइम,
एसमिस डिस्टेंस यानी कि दूरी। फ्रेंड ये क्वेश्चन, ये तीनों फॉर्मूला आप रिकॉल कर लीजिए, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा इस पर ही एक न्यूमेरिकल डालने की कोशिश करूंगा, न्यूमेरिकल कैसे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी न्यूमेरिकल पार्ट है फ्रेंड्स। जब दो प्रतिरोध माने रेजिस्टर जैसे 16 ओम तथा 12 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, माने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, तो उनका उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? राइट आंसर कितना फ्रेंड्स, 28 ओम हो जाएगा। फ्रेंड्स यहां पर देखिए मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन का, RS इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड, R1 प्लस R2। तो R1 कितना दिया फ्रेंड 16 और R2 कितना 12, अगर दोनों को ऐड कीजिएगा 28 ओम हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स। यहां पर फ्रेंड्स यहां पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आप सीरीज कॉम्बिनेशन जानते होंगे चाहे पहले इसके पहले वीडियो या जो भी वीडियो में 3-4 देखिएगा, उसमें मैं बताया हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आज जो मैं लिया हूँ आप सीरीज कॉम्बिनेशन, माने कि आप यहाँ पर सीरीज और पैरेलल का जो भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड आपको गलत नहीं होगा, थोड़ा सा सोच समझ के बनाइएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपका लिए थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा माने कि इसको मैंने कहा डायग्राम द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स दोनों दोनों जो है ना R1 R2 ना फ्रेंड यहाँ पर दम एक दूसरे से कनेक्ट है, माने एक ही लाइन में जितना रेजिस्टर कनेक्ट होगा ना फ्रेंड R1 R2 R3 एक ही मतलब लाइन में, एक ही लाइन में कहीं पर अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये दोनों एक ही पॉइंट में अंदर सब हो रहा है फ्रेंड, तो इसलिए क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखिए जितना भी वहां से निकलेगा एक पॉइंट सब निकलेगा फ्रेंड, एक पॉइंट सब निकलेगा किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन जाके दूसरे पॉइंट पर सब एक की जगह, जितना सब निकलेंगे एक पॉइंट से उतना ही सेकेंड पॉइंट पर फाइनल पॉइंट पर जाके मिलेंगे, वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें क्या फ्रेंड एक ही लाइन में एक ही, देखिए ना एक ही वायर में देखिए R1 R2 R3 R3 सब एक ही लाइन में एकदम कनेक्ट है, इस चीज को क्या बोलते हैं फ्रेंड सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन फ्रेंड। ठीक है ओके समझ में आ गया फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16 श्रव्य तरंग ने यानी ऑडिबल साउंड की रेंज कितना होता है फ्रेंड्स, इसका देखिए राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए इस पर तीन क्वेश्चन लिया हूं, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता क्वेश्चन। ठीक है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है फ्रेंड। अब देखिए ये हर्ट जो लिखा है फ्रेंड ये फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति का ऐसा यूनिट है फ्रेंड, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा आ क्वेश्चन। अब श्रव्य तरंग इंफ्रासोनिक इसका कितना था फ्रेंड 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है सर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ऑडिबल साउंड है, जो हम लोग ऑडिबल साउंड है ये हम लोग ह्यूमन द्वारा सुना जाता है फ्रेंड, ह्यूमन हम लोग द्वारा। ठीक है और इंफ्रासोनिक जो है 20 हर्ट्ज से जो कम है फ्रेंड, ये आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो स्नेक होते हैं चाहे कुछ और भी एनिमल्स या जो भी इंसेक्ट हो सकता है उस सबके लिए होता है फ्रेंड। और अल्ट्रासोनिक जो होता है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये देखिए बैट्स में चमगादड़ हवेल इस टाइप का इसका यूज करते हैं फ्रेंड। ये तीनों क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में फ्रेंड इसमें एक एक दो दो एग्जांपल भी याद रखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे अधिक वेधन क्षमता माने पेंटिंग की पावर किस विद्युत चुंबकीय तरंग की होती है? राइट आंसर इज गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये किस नियम के अनुसार है? राइट आंसर इज किरचॉफ्स का नियम। क्वेश्चन नंबर 19 जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, यह किस नियम के कारण होता है? राइट आंसर इज प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ मैं दोनों मीडियम यूज करता हूँ, कोई भी स्टूडेंट जो होंगे इंग्लिश मीडियम के होंगे तो वो थोड़ा सा वो भी उसको समझ में आ जाए, जो हिंदी मीडियम के हैं तो उनको भी समझ आए। तो ऐसा मैंने कि एंग्लो मीडियम यूज कर रहा हूँ, मैं दोनों लैंग्वेज कर रहा हूँ क्योंकि दोनों मैंने स्टूडेंट के लिए फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, प्रतिरोध का सूत्र क्या है? राइट आंसर इज आर इक्वल टू रो एल बाई ए। फ्रेंड्स इस पर मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल लूंगा, नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा इसका जब भी, अभी तो फ्रेंड्स कल से मैं केमिस्ट्री सेट स्टार्ट करने वाला हूं, केमिस्ट्री का 5 सेट करा दूंगा, उसके बाद बायोलॉजी भी सोच रहा हूं साथ में करने के लिए, तो बायोलॉजी का भी सेट करूंगा, उसके बाद इन्वायरमेंट का करूंगा, उसके बाद स्पोर्ट करूंगा, इस टाइप का मेरा सीरीज चलेगा फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर आर इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड, रजिस्टर हो गया सर, मैंने फ्रेंड हो गया, एस नहीं है फ्रेंड यहाँ पर रो होगा भैया, यहाँ पर रो होगा इस टाइप का होगा रो, ठीक है रो हो जाएगा। ठीक है रो क्यों रेसिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध, और एल यहाँ पर होगा, वन नहीं होगा यहाँ एल होगा, एल मीन्स क्या होता है फ्रेंड लेंथ होगा जो कि लंबाई,
अब ए होगा एरिया मैंने कि क्रॉस सेक्शन एरिया। फ्रेंड इस पर क्वेश्चन कैसे बना हम बताते हैं फ्रेंड यहाँ पर, अभी रुकिएगा दो मिनट अभी सुन लीजिए थोड़ा सा कि देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पर भी वही बात है फ्रेंड, देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर माने आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा फ्रेंड एल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ न्यूमरेटर है न्यूमरेटर है, माने कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब क्वेश्चन यहाँ कैसे पूछता है फ्रेंड देखिए कि अगर लेंथ को डबल कर देंगे, लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा फ्रेंड ये भी डबल हो जाएगा। लेकिन वही एरिया को अगर डबल कर देंगे, एरिया को डबल कर देंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस एरिया डबल माने कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड डिक्रीज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा जो भी हाफ या जो भी डिक्रीज हो जाएगा उस केस में। इसलिए इस पर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, या इसे बोलता है कि एक वायर है फ्रेंड उसमें वायर को फोल्डिंग करके या स्ट्रेच करके सब पर क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड। बहुत अच्छा वीडियो लाएंगा नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा साइंस का, अच्छे से क्वेश्चन लेवल आएंगे उस पर आपको मार्क्स कम ऑब्टेन कर लेना है, गलत नहीं करना है एग्जाम में फ्रेंड्स। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।